स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भक्ति जग वर्तमान विषय हूँ प्रेम त्रिकोणात्मक। प्रेम को आमे माने गोटे त्रिकोण रूप से प्रकाश करिपारु। ताहार प्रत्येक कोण जेपरी ताहार गोटे गोटे अविभाज्य वैशिष्ट्यर प्रकाशक। तीन कोण व्यतीत कौनसी त्रिकोण हो पारे ना। आउ प्रकृत प्रेम तार निम्नलिखित तीनोटी लक्षण व्यतीत कौनसी प्रकार रही पारे ना। प्रेम स्वरूप एही त्रिकोणर गोटे कोण एही जे प्रेम कौनसी प्रकार किणाबिका ना। जेउठारे कौनसी प्रतिदानर आशा थाए सेठारे प्रकृत प्रेम जन्मी पारे ना। यह केवल दोकानदारी रे परिणत हुए मात्र। जेते दिन पर्यंत आमर भगवान प्रति भय मिसा भक्ति और तांकर आज्ञा पालन पाई तांक निकट रे कौनसी प्रकार बरप्राप्तिर आकांक्षा थाए सेते दिन जाए आम हृदय रे प्रकृत प्रेम जन्मी पारे ना। जो मैंने भगवान निकटर किसी प्राप्तिर आशार उपासना करती से माने सही बरप्राप्तिर आशा नथिले तांको उपासना करिवे नहीं। भगवान प्रेमास्पद बोली भक्त ताहांको भल पाती। प्रकृत भक्तर एक देववांछित प्रेम उच्छासर आउ कौनसी हेतु ना। कथित अच्छी कौनसी कालरे गोटे वनरे जड़े राजा सहित कौनसी साधुंकर साक्षात होता से साधु सहित कियत्क्षण आलाप करी तांकर पवित्रता और ज्ञान परिचय पाई अत्यंत संतुष्ट हेले। परिशेषरे तांको अनुरोध कले मते कृतार्थ करिवा पाई मोठारु किछि ग्रहण करिवा को हेबो। साधु सेथिरे अस्वीकृत हेले ओ कहिले बनर फल मोर आहार पाई यथेष्ट पर्वत निसृत पवित्र सरित मोर पानीय पाई पर्याप्त वृक्षतक मोर परिधेय पाई पर्याप्त एवं गिरिगुहा मोर वासस्थान पाई यथेष्ट। मु काहिंकि तुमठारु किंबा अपरठारु किछि द्रव्य ग्रहण करिवि। राजा कहिले प्रभु मते अनुग्रहित करिया पाई मो हस्तरु किछि ग्रहण करंतु एवं मो सहित राजधानी को और मोर राजप्रासाद को चालंतु। अनेक अनुरोध परे अवशेषरे से राजांग सहित जीवा को स्वीकार कले एवं तांको प्रासाद को जाइथिले। दान करिवा को उद्यत हेबा पूर्वरु राजा पुनः पुनः बरभिक्षा करिवा को लागिले प्रभु मोर आहुरी संतात संतति हुंतु मोर धन वृद्धि हो मोर राज्य विस्तार हो मोर शरीर निरोग हो इत्यादि। राजा निज प्रार्थना शेष करिवा पूर्वरु साधु नीरवरे उठी चलीगले। यह देखि राजा हतबुद्धि होई तांकर पश्चात गमन करिवा को लागिले। चित्कार करी कहिले प्रभु आपण चली गले जे मोर दान ग्रहण कले नहीं। साधु राजा आड़क अन कहिले भिक्षुक मु कौनसी भिक्षुक ठारु भिक्षा करे नहीं। तुम्हें निजे जन भिक्षुक तुम्हें मते किपरि किछि दान करि पारिबो। मु एते मूर्ख नुहे जे तुम पर भिक्षुक निकटरु भिक्षा करिबि। जाओ मोर अनुसरण कर नहीं। एठारे भिक्षुक एवं भगवानंकर प्रकृत प्रेमिक मानक भितरे बेस प्रभेद देखाई दिया जाइछि। एपरिकी मुक्ति लाभ पाई भगवानंकर उपासना मध्य अधम उपासना। प्रेम कौनसी लाभ चाहे नहीं। प्रेम केवल प्रेम पाई होई थाए। भक्त भगवान को भल पाती कारण से भल न पाई रही पारंती नहीं। तुम्हें गोटे सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखि ताकू भल पाइल तुम्हें से दृश्य निकटर कौनसी प्रकार अनुग्रह भिक्षा करूना आउ से दृश्य मध्य तुम निकटर कौनसी प्रार्थना करे नहीं। तथापि यह दर्शन करी तुम मनरे आनंदर उदय हुए ताहा तुम मनर अशांति दूर कर दिए ताहा तुमको शांत कर दिए तुमको क्षण काल पाई नश्वर प्रकृतिर बाहर को घेनी जाए एवं एक स्वर्गीय आनंद उत्फुल्ल कर दिए। प्रेमर यही भावटी उक्त त्रिकोणात्मक प्रेमर एक कोण। प्रेम परिवर्ते अन्य किसी कामना कर ना। तुम्हें जेपरी
केवल दे जाऊछ। भगवान को तुम प्रेम दियो, किंतु तांको निकटरु तत्परिवर्ते अन्य किछि आशा कर नहीं। प्रेम स्वरूप त्रिकोणर द्वितीय कोण एही जे प्रेम रे कौनसी प्रकार भय नहीं। जेउ माने भगवान को भय रे भल पाती से माने मनुष्य अधम, से मानकर मनुष्यत्वर ए पर्यंत स्फूर्ति होइना। से माने शास्ति भय रे भगवानंकर उपासना करती। से माने मने करती जे से जने महान पुरुष, तांकर गोटी हस्तरे दंड आउ गोटी हस्तरे चाबुक, तांकर आज्ञा पालन नकले सेमाने दंडित हेबे। दंड भय रे भगवानंकर उपासना अति निम्न श्रेणीर उपासना। एपरि उपासना को जदि उपासना कहा जाए तेबे एहा प्रेमर अति अपरिणत अवस्था मात्र बोली कहिबाकु हेबो। जेते दिन जाए हृदय रे कौनसी भय थाए सेते दिन जाए प्रेम विकासर संभावना काही। प्रेम स्वभावत समस्त भय को नाश करिदिए। मनरे भावि देख, जणे तरुणी जननी पथरे छिडा होइथिबा बेले गोटिए कुकुर भुकिले से भीता होइ सन्निहित गृह मध्यरे प्रवेश करंती। किंतु जदि तांगर शिशु तांग संगरे थाइ एवं जदि गोटे सिंह शिशु उपर को डेई पड़े सेतेबेले सही जननी केउठारे थिबो भावि देख। अवश्य से तत्क्षणात सिंह मुखरे प्रविष्ट हेबो। प्रेम वास्तविक समुदाय भय को दूर कर दिए। काले जगतर संपर्क नष्ट गोटे स्वार्थपर भाव भय जन्मी थाए। मु निजक जिते क्षुद्र अस्वार्थपर कर पकाइबी मोर भय मध्य से ही परिमाण रे वृद्धि पाइब। जदि केही विवेचना करे जे से किछि नुहे तार निश्चय भय आसीबो। मात्र तुम्हें निजक क्षुद्र बोली जिते कम भाविबो सेते तुमर भय कमिजिबो। जेते दिन जाए तुमठारे प्रेम रही पारे नाही। प्रेम अभय दुईटी विपरीत भावापन्न। जेउ माने भगवान को भल पाती से माने कदापि तांको भय करिबे नाही। प्रकृत भगवत प्रेमिक भगवान को नाम वृथा उच्चारण करो नाही। एही आदेश शुणी हास्य करती। प्रेम धर्म रे भगवत निंदा पुणी काही। जेपरी हेउना काहीकि तुम्हें प्रभुंकर नाम जेते नहीं पारो सेते ही मंगल। तुम्हें तांको भल पाओ तेणु तुम्हें तांकर नाम नेउछ। प्रेम रूप त्रिकोणर तृतीय कोणटी एही जे प्रेमिकर अन्य द्वितीय भल पाइबार पात्र रहिबो नाही। कारण ताहा ही प्रेमिकर सर्वोच्च आदर्श हेबो। जेते दिन पर्यंत आम भल पाइबार पात्र आमर सर्वोच्च आदर्श होइना ही सेते दिन जाए प्रकृत प्रेम आसी पारिबो नाही। होई पारे अनेक स्थल रे मनुष्यर प्रेम मंद दिगकु प्रयुक्त हुए, किंतु प्रेमिक लगपक्ष रे ताहार प्रिय वस्तुटी ताहार सर्वोच्च आदर्श। कौनसी व्यक्ति अति कुत्सित लोक भितरे निजर उच्च आदर्श देखिपारे, पुणी अन्य व्यक्ति खूब भल लोक भितरे ताहा देखिबाकु पाए। किंतु सबु स्थल रे केवल आदर्शटी को प्रकृत और प्रगाढ़ रूपे भल पाइबा होई पारे। प्रत्येक व्यक्तिर उच्चतम आदर्श को ईश्वर बोली धरा जाए। अज्ञानी हुंतु ज्ञानी हुंतु साधु हुंतु पापी हुंतु नर बा नारी शिक्षित बा अशिक्षित समस्त लोकंकर उच्चतम आदर्श ईश्वर। समुदाय सौंदर्य महत्व और शक्तिर उच्चतम आदर्श समूहर समष्टि विधान कले प्रेममय और प्रेमास्पद भगवानंकर पूर्णतम भाव मिलिपारिबो। एही आदर्श गुड़िक प्रत्येक व्यक्तिर मनरे कौनसी ना कौनसी प्रकारे स्वभावत विद्यमान। से गुड़िक जेपरी आम मनर अंग बा अंश विशेष। मानव प्रकृति रे जेउ सबु क्रियार विकास देखिबाकु मिले से सबु आदर्श गुड़िक व्यावहारिक जीवन रे परिणत करिवार चेष्टा स्वरूप। आमे आमर चतुर्दिगरे समाज रे जेऊ नानाविध व्यापार और आंदोलन देखिपारु ताहा भिन्न भिन्न आत्मार विभिन्न आदर्श को कार्य रे परिणत करिवार चेष्टार फल मात्र। जहाँ भितरे अछि ताहा ही बाहर को आसिबाकु चेष्टा करुछि। मानव हृदय रे आदर्शर चिर प्रबल प्रभाव ही
ସେହି ଏକମାତ୍ର ସର୍ବନିୟନ୍ତା ମହାଶକ୍ତି, ଯାହାର କ୍ରିୟା ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନିୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରେ। ଶତଜନ୍ମ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଆଦର୍ଶ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ବହିର୍ଜଗତକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗଠନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଦର୍ଶକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରେମର ଭୂମିରୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଉପାସନା କରେ। ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ କୁରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେଲେନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅପାତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରେମିକ ସେ ସବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ରାଜରାଣୀ ପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜରାଣୀ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରେମର ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିଶେଷ, ଯାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତ ସାଧାରଣତଃ କାହାର ଉପାସନା କରେ? ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକର ସର୍ବାବଗାହୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ନରନାରୀଗଣ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ହୃଦୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବାହାରକୁ ଆନୟନ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ରକ୍ତପିପାସୁ, ସେମାନେ କେବଳ ରକ୍ତପିପାସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସେ ନିଜେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ମହାମହିମମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବି, ତୁମ ନିକଟରୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି କହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମଜନିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୀକତାର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ପୁରୁଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରୂପ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଏହା ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତିମାର ସହାୟତା ନ ନେଇ ସେହିପରି ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାଭକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଉପାସନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଭକ୍ତି ଲାଭର ସୋପାନ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରେମରୂପକ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବା ଅସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଲାଭର ପଥରେ ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାହାର ସହାୟତା କରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦର୍ଶ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଏକ କରି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ସମୁଦାୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ୍ରମବିସ୍ତାରଶୀଳ ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅବଶେଷରେ ସେହି ସାଧକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା। ଆଦର୍ଶର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସକଳ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବାପନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ତରରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ କି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ
ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କି ନା, ଏ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏହି ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରେମ ରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିରପେକ୍ଷ। ପ୍ରେମିକ ନିକଟରେ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣର କିଛି ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାରକ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଧାରଣା କରେ ନାହିଁ ବା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ କେବଳ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ଭଲ ପାଇନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି ପତ୍ନୀକୁ ପତ୍ନୀ ଲାଗି ଭଲ ପାଇନାହିଁ, ପତ୍ନୀର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଲୋକେ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରକାର କର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଆମ ବିବେଚନାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟତା ହେତୁ ନିମ୍ନ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭ୍ରମବଶତଃ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରେମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶେଷ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରେମ ବିଷୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଏହି ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରସୂତ, ସୁତରାଂ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସମଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଶାସ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ନାନାବିଧ ମତାମତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରର୍ଥକ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ସକଳର ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମାମୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଧାରଣା ବାଳକଚିତ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବିକ ପରାଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏହିପରି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ଭକ୍ତ ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବା ଗୀର୍ଜାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଏହାର କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ଓ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନିର୍ବାଣ ପ୍ରେମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସମହିମାରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଦେଖିପାରିଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମର ଏହି ପରମ ଉଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚତମ ମାନବ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତଥାପି ସର୍ବଦେଶର ପ୍ରେମଧର୍ମର ନିମ୍ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଚିରକାଳ ଏହି ଅନୁପଯୋଗୀ ମାନବୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମାନବ ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟ ସମୂହ ନିଜର ମାନବୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଆମ ନିକଟରେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ କ'ଣ, ଅନନ୍ତ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ମାତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପରାଭକ୍ତିର କେତେଜଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ଏହି ପରାଭକ୍ତିକୁ ତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେମର ଉନ୍ମତ୍ତତାରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତିଠାରୁ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ସାଧାରଣ ଧରଣ ପ୍ରେମର ଉଦୟ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ତାହା ତୀବ୍ର ବେଗସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମତ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜଗତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝଡ଼ ପରି ବେଗରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଧୀର ଶାନ୍ତ ନମ୍ର, ତଦପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଦାସ୍ୟ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଭାବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭୃତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ତାହାର ଆଦର୍ଶ। ତାପରେ ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏହି ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥାଏ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଆପଣାର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଏ, ଜାଣେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ତାହାର ଦୋଷ ଲାଗି ତାକୁ କଦାପି ତିରସ୍କାର ନ କରି ଜହିଁରେ ତାହାର ହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ସମାନ ସମାନ ଭାବ ଥାଏ ସେହିପରି ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧକ ଓ ତାହାର ସଖା ରୂପ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟର ଅତି ସନ୍ନିହିତ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା ଖୋଲି କହିପାରୁ, ଆମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶର ଗୁପ୍ତ ଭାବ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇପାରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଯହିଁରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ସେ କରିବେ, ଏହା ଭାବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହାର ସମାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ଆମର ଖେଳନା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏ ଜଗତରେ ଖେଳା କରିଛୁ, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖେଳା କରନ୍ତି, ଯେପରି ମହାଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖେଳା କରିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସେହି ପ୍ରେମର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଗତ ସହିତ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କୌଣସି ଅଭାବ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଅଭାବ କହିଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ। ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ସେ ନିୟତ ଏହି କର୍ମମୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କଳ୍ପନା କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଖେଳା, ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଖେଳ, କ୍ରମାଗତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତଟି ଗୋଟିଏ ମଜାର ଖେଳ ମାତ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ଖୁବ୍ ନିଃସ୍ୱ ହୁଅ, ତେବେ ସେହି ନିଃସ୍ୱତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମହାତାମସା ବୋଲି ବିବେଚନା କର। ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ତ ଏହି ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ତାମସା ରୂପେ ଉପଭୋଗ କର। ବିପଦ ଆସେ ତ ତାହା ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାମସା, ଏବଂ ସୁଖ ପାଇଲେ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ ଏ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାମସା। ଜଗତଟି କେବଳ ମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ଏଠାରେ ବେଶ ନାନା ଭାବରେ ମଜା କରୁଛୁ। ଯେପରି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳର ଖେଳ ସଙ୍ଗୀ, କିପରି ସୁନ୍ଦର ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି! ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା, ଏକ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। କେବଳ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ସବୁ ହିଁ ଖେଳ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖେଳର ସହାୟକ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ହୃଦୟ ଗୁରୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସଂସାର ତୁମ ଉପରେ ଗୁରୁ ବିକ୍ରମରେ ଚାପି ବସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀରେ ସତ୍ୟବୋଧ ତ୍ୟାଗ କର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗଭୂମି ଓ ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସହାୟକ ବୋଲି ମନେ କର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତି ଅଣୁରେ ସେ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖେଳା କରୁ କରୁ
पृथ्वी सूर्य चंद्र प्रभृति निर्माण करुछन्ति। से मनुष्य हृदय प्राणी और उद्भिद समूह सहित क्रीड़ा करुछन्ति। आम तांकर शतरंज खेल खेल गोटी स्वरूप से गुड़ी को जेपरी गोटे छक जगार बसाई से मानू चालित करुछन्ति। से आम को प्रथमे एक दिगरे परे अपर दिगरे सजाउछन्ति। आमे माने ज्ञात बा अज्ञात सारे तांग क्रीड़ार सहायक। ओह कि आनंद आमे माने तांगर क्रीड़ा सहायक। तार पर अवस्था को बासल्य प्रेम कहा जाए। एथिरे भगवान को पिता बोली न भावी संतान बोली भाविबा को हे। यह सामान्य किछि नूतन प्रकार बोध होई पारे किंतु यार उद्देश्य आमर भगवत सम्बन्धीय धारणा ठारु ऐश्वर्य भाव गुड़िक सब दूर करदेबा। ऐश्वर्य भाव संगे संगे भय आसे। भल पाइबार किंतु भय रहिबा उचित नुहे। चरित्र गठन निमित्त भक्ति और आज्ञावहतार अभ्यास आवश्यक सत्य। किंतु थरे चरित्र गठित हेले जेतेबेले प्रेमिक शांत प्रेमर टिकिए आस्वाद पाए पुणी प्रेमर तीव्र उन्मत्तता मध्य किछि आस्वाद करे सेतेबेले ताहार आउ नीतिशास्त्र साधन नियम ए गुड़िकर किछि मात्र प्रयोजन रहे नाही। प्रेमिक कहे भगवान को महामहिम ऐश्वर्यशाली जगन्नाथ देवदेव रूपे चिंता करिबा को मोर इच्छा हुए नाही। भगवान को धारणारु एही भय उत्पादक ऐश्वर्य भाव निकटरे भय पाती ना संतान प्रति तांकर भक्ति मध्य हुए ना संतान निकटरु से मानंकर प्रार्थना करिवार मध्य किछि न थाय। संतानर सबुबेले पाउनार दाबी। संतान को भल पाइबा पई बापमा शत शत बार शरीर त्याग करिवा को प्रस्तुत। सेमानंकर एक संतान निमित्त सेमाने सहस्र जीवन उत्सर्ग करिवा को प्रस्तुत। एही भावरु भगवान को बासल्य भावरे भल पाइबा को हुए। जेउ सकल संप्रदाय रे भगवान अवतीर्ण हुंती जेउ माने सेथिरे विश्वास करंती सेमानक मध्यरे एही बासल्य भाव उपासना करिबा स्वाभाविक। मुसलमान मानक पक्षरे भगवान को एही परी संतान भावरे भाविबा कठिन। सेमाने भयरे ए भावरु दूरे रहंती किंतु ख्रीस्टियान और हिंदू सहजरे एहा बुझिपारंती कारण सेमानकर बालक जीशु बाल श्रीकृष्ण रही। भारतीय रमणीगण अनेक समय आपणाकु श्रीकृष्णंकर माता बोली कल्पना करती। ख्रीस्टियान जननी माने मध्य आपणाकु ख्रीष्टंकर माता बोली चिंता करिपारंती। एथिरु पाश्चात्य देशरे ईश्वरंक मातृभावर ज्ञान आसिब आउ ताहा सेमानंकर विशेष प्रयोजन। भगवानंक प्रति भय ओ भक्ति रूप एही कुसंस्कार आम मानंकर अंतररे दृढ़ मूल होईछि। भगवत सम्बन्ध एही भय भक्ति महिमार भाव एही प्रेम भितरे संपूर्ण भावरे निमज्जित करिदेबाकु अनेक दिन लागे। मनुष्य प्रेमर एही ऐश्वरिक आदर्श को आउ एक प्रकारे प्रकाश कराहुछि। ताहार नाम मधुर एवं ताहा ही सर्वप्रकार प्रेम मध्यरे सर्वोच्च। जगतर सर्वोच्च प्रेम उपरे एहार भित्ति आउ मानवीय प्रेम मध्यरे एहा ही सर्वापेक्षा प्रबलतम। स्त्री पुरुषंक प्रेमरे जेपरी मनुष्यर समुदाय प्रकृति को अलट पलट करि पकाए आउ केउ प्रेम सेपरी करि पारिबो। केउ प्रेम लोकर गति परमाणु मध्यरे संचारित होइ ताहाकु पागल करि पकाए निजर प्रकृति को भुलाई दिए। मनुष्य को हुए तो देवता किंबा पशु करिदिए। एही मधुर प्रेम रे भगवान को आमर पति रूपे चिंता करा जाए। आमे समस्ते स्त्री जगतरे आउ केही पुरुष नाही। केवल एकमात्र पुरुष अटंती से ही जणे आमर से ही प्रेमास्पद ही एकमात्र पुरुष। पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को जो स्नेह दे भल पाई थाए से ही स्नेह भगवान को अर्पण करिबा को हेबो। आमे माने जगतरे जेते प्रकार प्रेम देखिबा को पाऊ एवं जहाँ घेनी आमे अल्पाधिक परिमाण रे खेला करुछु भगवान सेमानंकर एकमात्र लक्ष्य। तेबे दुखर विषय जो अनंत समुद्र रे महान प्रेमर नदी
सदा प्रवाहित होउछि मनुष्य ताहा को जाने नाही। सुतरां निर्बोध परि से मनुष्य रूप क्षुद्र क्षुद्र प्रतिमा प्रति एहा प्रयोग करिबाकु चेष्टा करे। मनुष्य प्रकृति रे संतान प्रति जो प्रबल स्नेह देखा जाए ताहा केवल गोटे संतान रूप क्षुद्र पितुला पाई नुहे। जदि तुम अंधभाव एकमात्र संतान ठारे ताकु प्रयोग कर तुम से विशेष कष्ट भोग करिव। किंतु एही भगरु तुमर एपरी बोध आसीब जे तुम भितरे जे प्रेम अछि ताहा जदि कौनसी मनुष्य ठारे प्रयोग कर तेबे शीघ्र हेउ बा विलंबरे हेउ अशांति आनयन करिव। सुतरां आमर से ही पुरुषोत्तमंग उपरे प्रयोग करिवा को हेब जहांकर विनाश नाही जहांकर कदापि कौनसी परिवर्तन नाही एवं जहांकर प्रेम समुद्र रे जुआर भटा नाही। जे प्रकृत पक्षरे प्रेमर आनंद समुद्र स्वरूप आमर प्रेम जेपरी प्रकृत लक्ष्य रे तांकरी निकट रे पहुँचे समस्त नदी समुद्र रे मिलित हुए। गोटे मात्र जलबिंदु पर्वत देहरु पतित होई केवल गोटे नदी रे स्थिर रही पारे नाही। अवशेषरे से ही जलबिंदुटी कौनसी ना कौनसी रूप रे समुद्र रे प्रवेश करे। भगवान आम मानंकर सर्वप्रकार भावर एकमात्र लक्ष्य। जदि रागिबा को इच्छा करो तेबे भगवान को उपरे राग तुमर प्रेमास्पद तुमर सखांकु धमक दियो आउ काहाकु तुमे निर्भय रे तिरस्कार करिपारिबो। मर्त्य जीव तुमर राग सह्य करिबो नाही सेथिरे तुम उपरे प्रतिक्रिया आसीबो। जदि तुमे मो प्रति क्रोध हुओ मु अवश्य तुम प्रति क्रोध हेबी कारण मु तुमर क्रोध सही पारिबि नाही। तुमर प्रेमास्पदंकु कह तुमे मो निकटकु काहीकि आसुना काहीकि मते एका करि रखिछ ता छड़ा आउ काहीरे आनंद अछि। छोट छोट माटीर मूर्ति रे आउ कि सुख अछि। अनंत आनंद स्वरूपंकु ही आमको अन्वेषण करिवाकु हेब। भगवान ही एही आनंदर घनीभूत भाव। आमर प्रवृत्ति और भाव आदि जेपरि समस्त तांक निकटकु जाए से सबु तांकरि लागि अभिप्रेत। ए सबु जदि लक्ष्य भ्रष्ट हुंती तेबे एमाने कुत्सित रूप धारण करिवे। जेतेबेले सेमाने तांकर ठीक लक्ष्यस्थल अर्थात ईश्वरंक निकटरे पहुँचिबे सेतेबेले अति निम्नतम वृत्ति पर्यंत रूपांतरित होइजिव। मनुष्यर मन और शरीरर समुदाय शक्ति सेगुडिक जेउ भावरे प्रकाशित हुंतु ना काहेकि भगवान ही सेमानंकर एकमात्र लक्ष्य एकायन। मनुष्य हृदय रे समस्त श्रद्धा समस्त प्रवृत्ति जेपरि भगवान को दिगरे जाए से ही केवल एकमात्र प्रेमर पात्र। ए मनुष्य हृदय आउ काहाकु भल पाइब से परम सुंदर परम महत् सौंदर्य स्वरूप महत्त्व रूप। तांक अपेक्षा जगत रे आउ किए सुंदर अछि तांक व्यतीत जगत रे आउ किए स्वामी हेबार उपयुक्त। जगत रे आउ किए सेपरि श्रद्धार पात्र अछि अतएव से जेपरि आमर स्वामी हुंती से जेपरि आमर प्रेमास्पद हुंती। अनेक समय रे एपरि घटे जे भगवत भक्तगण एही भगवत प्रेमर विषय कहिबाकु जाई सर्व प्रकार मानवीय प्रेमर भाषा ही एहाकु वर्णना करिवार उपयोगी बोली ग्रहण करिथांती। मूर्ख माने एकथा बुझंती नाही सेमाने एहा कदापि बुझि पारिबे नाही। सेमाने एहाकु केवल जड़ दृष्टि रे देखिथांती। सेमाने एही आध्यात्मिक प्रेम उन्मत्तता बुझि पारंती नाही किपरि बा बुझिबे। हे प्रियतम तुम अधर रे गोटे मात्र चुंबन जहाकु तुमे थरे चुंबन देइछ तुम लागि तहार पिपासा वर्धित होइछि तहार समस्त दुख चली जाए से तुम व्यतीत आउ सब भूली जाए। प्रियतमंक सेही चुंबन तांक अधर सहित सेही स्पर्श लागि व्याकुल हो जहाँ भक्त को पागल करिदिए एवं जहाँ मनुष्य को देवता करिपारे। भगवान जहाँ थरे तांकर अधरामृत दे कृतार्थ करिसंति तार समुदाय प्रकृति परिवर्तित हो जाए। ता पक्षरे जगत उड़ी जाए चंद्र सूर्यंकर आउ अस्तित्व न थाए एवं समग्र जगत प्रपंच से ही एक अनंत प्रेम समुद्र रे मिसि जाए। यहाँ ही प्रेम उन्मत्ततार
चरम अवस्था। तथापि प्रकृत भगवत प्रेमिक से संतुष्ट नुहति, स्वामी स्त्री प्रेम निकटने से उन्मादकर नुहे। भक्त मैंने परकिया प्रेमर भाव ग्रहण करी कारण ताहा अतिशय प्रबल, यार अवैधता से मानकर लक्ष्य नुहे। यही प्रेमर प्रकृति एपरिजे एहा जेते बाधा पाए सेते उग्र भाव धारण करे। स्वामी स्त्रीर स्नेह अबाध, से कौनसी बाधा विघ्न ना। से भक्त मैंने कल्पना करती जेपरी कौनसी बालिका तार प्रियतम पुरुष ठारे आसक्त एवं तार पितामाता बा स्वामी से ही प्रेमर विरोधी, जेते से ही प्रेम बाधा पाए सेते ताहा प्रबल भाव धारण करे। श्रीकृष्ण वृंदावन रे किपरी लीला करुथिले, किपरी समस्ते तांको उन्मत्त होई भल पाउथिले, किपरी तांकर इंगित पाई से भाग्यवती गोपी माने समस्त जगत को भूली जाई सकल बंधन और जागतिक कर्तव्य यार समुदाय सुख दुख भूली तांक सहित साक्षात करने को आसुथिले, मानवीय भाषा ताहा प्रकाश करने को अक्षम। मनुष्य हे मनुष्य, तुम्हें ऐश्वरिक प्रेम विषय कथा कह, अथच जगतर समस्त भ्रमात्मक प्रसंगे मध्य निजुक्त रही पार। तुमर कौन मनमुख एक, जेउठारे राम अछंती सेठारे काम रही पारे नाही, जेउठारे काम सेठारे राम रही पारंती नाही। ये उभय कदापि एकत्र रही पारंती नाही, आलोक अंधार कदापि एक संगे रहे नाही। आमर परवर्ती और शेष विषय होउछि उपसंहार। जेतेबेले प्रेमर एही उच्चतम आदर्श रे उपनीत होबा को हुए सेतेबेले ज्ञान केउ आड़े चली जाए, सेतेबेले किए आउ ज्ञान बा दर्शन लागि व्यस्त हेबो। मुक्ति उद्धरण निर्वाण ए सबु सेतेबेले कुआड़े चली जीव। एही ईश्वर प्रेम संभोग करि पारिले किए मुक्त होबा को इच्छा करिव। भगवान मु धन जन सौंदर्य विद्या एपरिक मुक्ति पर्यंत चाहे ना, जन्मे जन्मे जेपरी तुमठारे मोर अहेतुकी भक्ति रही था। भक्त कहती चीनी हेबा भल नुहे, चीनी खाइबा को भल पाए, सेतेबेले किए मुक्त हेबा को इच्छा करिव, किए भगवान को सहित अभेद भाव आकांक्षा करिव। भक्त कहती मु जाने से ओ मु एक, तथापि मु तांको ठारु मते पृथक रखी प्रियतम को संभोग करी। प्रेम लागी प्रेम यहाँ ही ताहार सर्वोच्च सुख, प्रियतम को संभोग करिबा लागी किए सहस्रबार बद्ध न हेबो। से स्वयं भल पाइबा को चाहती, चाहती जे भगवान जेपरी तांको भल पाती, निष्काम प्रेम जेपरी उजाणी बही जाए, प्रेमिक जेपरी नदीर उत्पत्ति स्थान आड़कू स्रोतर विपरीत दिगरे धांती, जगत तांको पागल कहे। मु जणकु जाने जहाँ को लगे पागल बोली कहुथिले, एवं उत्तर रे से कहुथिले बंधुगण समस्त जगतटी एक पागलखाना, केही सांसारिक प्रेम नहीं उन्मत्त, केही नाम निमित्त, केही बा जस पाई, केही अर्थ लालसारे, आउ केही मुक्ति बा स्वर्गलाभ पाई उन्मत्त। एही विराट पागलखाना रे मु मध्य पागल, मु भगवान को पाई पागल, तुम्हे जदि अर्थ पाई पागल मु ईश्वरों पाई पागल, तुम्हें पागल मु मध्य सहीपरी। मोर मने हुए मोर पगड़ामी ही सर्वोत्कृष्ट। प्रकृत भक्तर प्रेम यहीपरि तीव्र उन्मत्तता एवं यार सम्मुखे आउ सब उड़ी जाए। समुदाय जगत तांक निकटरे प्रेम केवल प्रेमपूर्ण, प्रेमिक चक्षुरे यहीपरि प्रतिमान हुए। जेतेबेले मनुष्य भितर एही प्रेम प्रवेश करे सेतेबेले से अनंत काल पाई सुखी, अनंत काल पाई मुक्त हो जाए। भगवत प्रेमर एही पवित्र उन्मत्तता ही केवल आम मान अंतरस्थ संसार व्याधि अनंत काल पाई आरोग्य करिपारे। प्रेम धर्म रे आम मानंकु द्वैत भाव रे आरंभ करिबाकु हुए। भगवान आम पक्षरे आम ठारु भिन्न एवं आमे मध्य तांगो ठारु आमको भिन्न बोध करु। प्रेम एथि मध्यकु आसी उभयर मिलन संपादन करे, सेतेबेले मनुष्य भगवान को आड़ को अग्रसर होई एवं भगवान मध्य मनुष्यर क्रमशः अधिकतर निकटवर्ती होई। मनुष्य संसार रे सब संबंध जेपरी पिता
माता पुत्र सखा प्रभु प्रणयी प्रभृति भाव नहीं ताहार प्रेमर आदर्श भगवान आरंभ करता निकटने भगवान यही सर्वप्रकार रूप से विराजित से उन्नतिर चरम सीमार उपस्थित हूँ जेतेबेले से निज उपास्य देवता संपूर्ण रूपे निमग्न हो जाती आमे प्रथम अवस्था बेले समस्ते निज निज को भल पाऊ एही क्षुद्र अहंग्र असंगत दाबी प्रेम को मध्य स्वार्थपर करि पकाए अवशेषरे किंतु पूर्ण ज्ञान ज्योतिर विकास हुए एवं एही क्षुद्र अहं से ही अनंत सहित एकीभूत हो जाइथिबार देखा जाए मनुष्य स्वयं एही प्रेम ज्योति सम्मुखरे संपूर्ण परिवर्तित हो जाए पूर्वरु तांकर अल्पाधिक परिमाण रे जो सब मैला बा बासना थिला सेतेबेले से सब चली जाए अवशेषरे से एही सुंदर प्राण आह्लादकर सत्य अनुभव करती जे प्रेम प्रेमिक और प्रेमास्पद एक ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। आज एठारे भक्ति जग समाप्त हेला आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिन थिले सब्सक्राइब करंतु अन्य मानंकु सब्सक्राइब करिबा पई कहंतु।